उम्मीद के मुताबिक ही आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी की बैठक के बाद रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखने का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद फेस्टिव सीजन में अगर लोन सस्ते नहीं होंगे तो वो महंगे भी नहीं होंगे। जिस तरह से महंगाई दर आरबीआई के कंफर्ट जोन 4-6% के मुकाबले 6.8% पर रही है, उसे देखते हुए रेट्स को होल्ड रखना भी इकोनॉमी के लिए बड़ी राहत की वजह है। A detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, it decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, and the bank rate remain the standing deposit facility rate remains at 6.25%. and the marginal standing facility, that is MSF rate and bank rate, at 6.7%. आरबीआई ने विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन नीति को अपनाया है और कहा है कि वो महंगाई को लक्ष्य के भीतर लाने की कोशिशों में जुटा है। आरबीआई के अनुसार ग्लोबल आउटलुक ने महंगाई दरों पर असर डाला है। वहीं भारत में इस साल जुलाई में सब्जियों की कीमत में आई तेजी ने भी महंगाई दर को बढ़ाने का काम किया है। आरबीआई गवर्नर ने 2024 में महंगाई दर 5.4% रहने का अनुमान जताया है। वहीं रिटेल महंगाई दर बीती तिमाही में 6.4% रहने के बाद तीसरी तिमाही में 5.6% और चौथी तिमाही में 5.32% रहने का अनुमान है। यानी दालों की खेती और सप्लाई में कमी की वजह से पिछले कुछ महीनों में बढ़ी महंगाई आने वाले वक्त में कम होने की संभावना है। CPI inflation is projected at 5.4% for 23-24 with second quarter, that is Q2, at 6.4%, Q3 at 5.6% and Q4 at 5.2%. The risks are evenly balanced. CPI inflation for the first quarter of next financial year, that is 24-25, is projected at 5.2%. भारत की विकास दर को लेकर भी आरबीआई ने अपना पिछला 6.5% का ग्रोथ रेट अनुमान बरकरार रखा है। Real GDP growth for the current financial year, that is 2023-24, is projected at 6.5%. With Q2 at 6.5%, Q3 at 6%, and Q4 at 5.7%. The risks are evenly balanced. Real GDP growth for the first quarter of next financial year, that is 24-25, is projected at 6.6%. आरबीआई के अनुसार निजी क्षेत्र में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है और ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार देखने को मिला है, क्योंकि वहां पर कंस्ट्रक्शन गतिविधियों में तेजी आई है। आरबीआई वित्तीय स्थिरता पर फोकस कर रहा है और इसके लिए एनबीएफसीज पर निगरानी सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। इसके अलावा बैंक पर्सनल लोन में आए उछाल पर भी ध्यान दिया जा रहा है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।